हेलो एंड वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम द स्कूल बॉय रिटन बाय विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक एक अंग्रेज़ी कवि थे, पोएट थे, जो कि 18th सेंचुरी के अंदर पैदा हुए थे। ये जो कहानी है स्कूल बॉय, ये स्कूल बॉय एक ऐसे लड़के की कहानी है कि जिसका मन प्रकृति में रमा रहता है, जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में ज़्यादा अपने आप को कंपेटेबल मानता है बजाय कि रिजिड और एक मोनोटोनस स्कूली एटमॉस्फेयर में। विलियम ब्लेक के बारे में आपको मैं एक छोटी सी दो चार बातें बता देता हूँ। विलियम ब्लेक अपनी कविताओं में जो मिस्टिसिज्म है, जो रहस्य है, या जो एक मैजिकल चीज़ें हैं, खासकर जो ईश्वर से जुड़ी हुई हैं, इस तरह की चीज़ों को डालने के लिए काफ़ी मशहूर रहे हैं। और विलियम ब्लेक की जो कविताएं हैं, उनकी कविताएं बड़ी सिंपल कविताएं होती हैं, लेकिन विलियम ब्लेक की कविताओं का जो मीनिंग है वो बड़ा गहरा होता है। इनकी सबसे पॉपुलर पोएम्स में से, जिनको आप अगर चाहें तो नेट की हेल्प से पढ़ सकते हैं फर्दर विलियम ब्लेक के बारे में, उनके स्टाइल को जानने के लिए, इनकी सबसे पॉपुलर कविताओं में टाइगर और लैम जैसी कविताएं हैं, जिसने कि इनको एक मशहूर पोएट बना दिया। ये जो कविता है स्कूल बॉय, इसके बारे में ये किस तरह की कविता है ये मैं आपको वीडियो के शुरुआत में बता चुका हूँ। चलिए कविता को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो स्कूल बॉय कविता है, ये कविता ऐसे बच्चे के बारे में है जो खुश नहीं है, और उसको क्या चीज़ नाखुश बनाती है, वो किस वजह से परेशान है, वो हम कविता को के अंदर पढ़ करके जानेंगे। आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न व्हेन द बर्ड सिंग ऑन एवरी ट्री द डिस्टेंट हंट्समैन विंड इज हॉर्न एंड द स्काई लार्क सिंग्स विद मी ओ व्हाट स्वीट कंपनी। अब देखिए, राइटर जो है वो बात करता है, मतलब उस लड़के के माध्यम से, उस स्कूल बॉय के माध्यम से कवि अपनी बात को शुरू करता है। वो कहता है कि ये गर्मियों की सुबह है और मुझे इस गर्मियों की सुबह में उठना पसंद है, जब जो बर्ड्स हैं वो हर एक पेड़ पर बैठकर गाती हैं, जो डिस्टेंट हंट्समैन है यानी कि जो शिकारी लोग, शिकार खेलने वाले जो लोग हैं, वो अपने हॉर्न को बजाते हैं, और जो स्काईलार्क पक्षी है वो मेरे साथ गाता है। तो ये सब चीज़ें उसको बड़ा आनंदित करती है, और वो कहता है कि ओ व्हाट स्वीट कंपनी, कितनी मधुर कंपनी है, पक्षियों का चहचहाना, हंट्समैन का अपने हॉर्न को बजाना, स्काईलार्क पक्षी का मेरे साथ में गाना। तो ये सब चीज़ें जो हैं प्राकृतिक चीज़ें, तो ये उस बच्चे के मन को बड़ा सुकून पहुंचाती है। अब सेकंड स्टैंजा में कभी क्या कहता है कि बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे अंडर अ क्रूल आई आउटवर्न द लिटिल वंस स्पेंड द डे इन साइंग इन डिसमे। अब देखें, कवि कहता है कि बच्चे का जो मन है वो इस समर मॉर्निंग में प्रकृति में घूमने का है, बर्ड्स की, चिड़ियों की, और जो हंट्समैन है उनकी कंपनी में उसके रहने का मन है, लेकिन उसको कहाँ जाना पड़ता है, उसको स्कूल जाना पड़ता है जो कि उसको पसंद नहीं है। वो स्कूल जाता है और स्कूल जाने से जो उसको आनंद मिलता था उस स्वीट कंपनी का सारा दूर चला जाता है। और कहता है कि अंडर अ क्रूल आई आउटवर्न, यहाँ जो ये पर्टिकुलर फ्रेज़ है अंडर अ क्रूल आई आउटवर्न, ये टीचर के लिए इस्तेमाल किया गया है कि जिसके अंडर में उन छोटे छोटे बच्चों को पूरा दिन बिताना पड़ता है इन साइंग एंड डिसमे। साई का मतलब आभरना और डिसमे का मतलब होता है निराशा। स्कूल के अंदर आप देखते हैं कि बहुत जगह, बहुत स्कूलों के अंदर बड़ा ही रिजिड और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है, और टीचर भी बहुत डिसिप्लिन, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, जो जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो काफ़ी जो है निराश महसूस करते हैं। वो एक कारण ये भी है निराश महसूस करने का, क्योंकि जो कविता हम पढ़ रहे हैं इस कविता के अंदर जो बच्चा है
उसका मन किसी दूसरी चीज़ में है, लेकिन वो स्कूल उसको पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी उसे स्कूल आना पड़ता है, इसलिए वो परेशान है। आ देन एट टाइम्स आई ड्रूपिंग सेट एंड स्पेंड मैनी एन एक्शस आवर, नोर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट नोर सिट इन लर्निंग्स बावर, वॉन थ्रू विद द ड्रेरी शावर। अब कवि कहता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि ड्रूपिंग सेट, यानी कि बच्चा बैठे बैठे उगता रहता है। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन द पोजिशन ऑफ द चाइल्ड, हिज जेस्चर्स, वो देखिए किस तरीके से बैठा हुआ है, किस तरीके से बोरियत महसूस कर रहा है। तो राइटर कहता है कि मैं बोरियत महसूस करता हूँ और कई सारे घंटे ऐसे हैं जो मैं बेचैनी के अंदर बिताता हूँ। कहता है कि मुझे आनंद नहीं मिलता, ना तो किताबों में आनंद मिलता है। लर्निंग बावर, बावर का मतलब होता है शेल्टर, यानी कि जो ज्ञान अपने आप में एक तरह की छाया है, एक तरह का शेल्टर है, मुझे किताबों में और जो नॉलेज है उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता, मुझे इससे कोई आनंद नहीं मिलता। वॉन थ्रू विद द ड्रेरी शावर। और राइटर कहता है कि जो बारिश की जो बरसात है, मतलब बारिश की जो बूंदें हैं, जो बरसात की जो बूंदें हैं, उनमें मुझे भीगना पसंद है, यानी कि नेचर में जाना मुझे पसंद है, बजाय कि किताबों के और ये जो ज्ञान की बातें हैं इनके। अब राइटर आगे लिखता है कि हाउ कैन द बर्ड दैट इज बोर्न फॉर जॉय सिट इन अ केज एंड सिंग, हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स अनॉय बट ड्रूप हिज टेंडर विंग एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग। बालमन क्वेश्चन करता है, वो कहता है कि एक बर्ड जिसको इंजॉय करने के लिए ईश्वर ने बनाया है, अगर उसको आप पिंजरे में डाल देंगे तो वो गाना कैसे गाएगी। यानी कि जिस तरीके से पक्षी प्रकृति में फ्रीली घूमते हैं, अपने मर्जी से वो प्रकृति को इंजॉय करते हैं, चिड़िया गाना गाती है, तो कहता है कि अगर उसको पिंजरे के अंदर बंद कर लिया जाए तो ये सब चीज़ें कैसे कर पाएगी। राइटर आगे लिखता है कि एक बच्चा जो कि जो हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स अनॉय, एक बच्चा कैसे जब उसको फियर उसको चिढ़ाता है, फियर जब उसको परेशान करता है और वो घबराता है, बट ड्रूप हिज टेंडर विंग एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग। ड्रूप मतलब गिरा देना, टेंडर विंग यानी कि बच्चा जो है बालमन वो आकाश में उड़ना चाहता है, यानी कि कल्पनाओं के सहारे वो आकाश में उड़ना चाहता है। हालांकि बच्चे के पंख तो नहीं होते, लेकिन यहाँ उसको लिटरेरी सेंस में इस्तेमाल किया गया है कि बच्चा अपने इमेजिनेटिव पंखों का इस्तेमाल करके, अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके वो दूरगामी चीज़ों की यात्रा करना चाहता है, लेकिन अगर उसके पंख जो हैं, जो टेंडर विंग्स हैं, यानी कि जो उसकी इमेजिनेशन है, अगर वो ड्रूप हो जाएगी, अगर वो उसको गिरा दी जाएगी, तो वो अपना जो यूथफुल स्प्रिंग है वो उसको भूल जाएगा। क्योंकि जो स्प्रिंग का मौसम होता है, आप सभी को पता है कि इस समय प्रकृति के अंदर हरियाली होती है, और स्प्रिंग को कविताओं में नव जीवन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, सिंबॉलिक वे में। तो जो बचपन होता है किसी भी इंसान के लिए, वो उसका नव जीवन काल होता है कि जहाँ पर वो नए नए एक्सपीरियंस करता है। तो राइटर्स बच्चे के माध्यम से कहता है कि अगर मैं यहाँ स्कूल और बाकी चीज़ों में अगर लग जाऊँगा और मुझे अगर बांध लिया जाएगा, बंधन में बांध लिया जाएगा, तो फिर मैं अपना जो यूथफुल स्प्रिंग है इसको कैसे इंजॉय करूँगा, मैं तो उसको भूल ही जाऊँगा। ओ फादर एंड मदर, इफ बर्ड्स आर निप्ड एंड ब्लॉसम्स ब्लोन अवे एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड ऑफ द जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे बाय सोरो एंड केयर्स डिसमे, हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय और द समर फ्रूट्स अपीयर। अब कविता के आखिर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ओ फादर एंड मदर, यानी कि हे मेरे पिता और मेरे मदर। बच्चा कहता है कि अगर जो कलियां हैं, जो बर्ड्स हैं, उनको अगर पैदा होने से पहले ही निप्ड कर दिया जाए, उनको अगर तोड़ दिया जाए, एंड ब्लॉसम्स ब्लोन अवे, और जो खिलावट है वो दूर चली जाए,
एंड इफ़ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, जो छोटे छोटे जो मतलब प्लांट होते हैं ना, टेंडर प्लांट, टेंडर मतलब नरम जो प्लांट होते हैं, यानी कि जैसे बीज आप डालते हैं तो बीज डालने के बाद में धीमे धीमे उससे पौधा निकलता है, पौधा फिर धीमे धीमे बड़ा होकर के बड़ा पेड़ बन जाता है। तो जब वो बीज एक बड़े पेड़ में तब्दील नहीं हुआ है, जब वो एक छोटा सा पौधा है, तो बच्चा कहता है कि अगर उसको स्ट्रिप्ड कर दिया जाए, उसको अगर उखाड़ दिया जाए, ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे, यानी कि उसके खिलने का जो मौसम है वो स्प्रिंग का महीना होता है, बसंत का महीना होता है, कि अगर उसको बसंत के महीने में उखाड़ दिया जाए तो वो फिर कैसे प्रकृति का आनंद उठाएगा। बाई सोरो एंड केयर्स डिसमे हाउ शेल द समर अराइज इन जॉय और द समर फ्रूट्स अपीयर, यानी कि ये बसंत के मौसम का, गर्मियों के मौसम का जो मज़ा है, ये सोरो और डिसमे यानी कि दुख और विलाप में तब्दील हो जाएगा अगर प्रकृति प्राकृतिक चीज़ों को उनके मतलब जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, यदि उनको उनके नेचुरल एनवायरनमेंट से दूर कर दिया जाएगा, तो समर के जो फ्रूट्स हैं यानी कि जो उसके परिणाम हैं, फिर वो कैसे दिखाई देंगे। यानी कि सीधे सीधे जो विलियम ब्लेक है बच्चे के माध्यम से, वो कहना चाहता है कि अगर बच्चों की उम्र जो है वो खेलने कूदने की होती है, ताकि उनका जो बचपन है वो अपने बचपन को एंजॉय कर सके, वो बचपन में नई नई चीज़ें सीख सके, ताकि जब वो बड़े हो रहे हैं तो बड़े होने के साथ साथ में उनको एक डायरेक्शन मिले आगे की ज़िंदगी का। तो राइटर कहता है कि अगर उनके बचपन को शुरुआत में ही अगर दबा दिया जाएगा, स्ट्रिक्ट चीज़ें उन पर लागू कर दी जाएंगी और उनकी जो नेचुरल ग्रोथ है उसको अगर रोक दी जाएगी, तो किस तरीके से वो अपने जीवन का आनंद उठा पाएंगे। जैसे कि वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो बचपन है वो किसी भी व्यक्ति के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है और बचपन को सभी लोग इन्जॉय करते हैं, तो राइटर उसी चीज़ को हाईलाइट करता है कि बच्चों को उनके बचपन को इन्जॉय किया जाना करने देना चाहिए। सो दिस वॉज द पोएम द स्कूल बॉय रिटन बाई विलियम ब्लेक, एंड आई विल बी मीटिंग विद यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू वेरी मच।